और जो आइटम है उसकी प्राइस करीब है 35,000 से 40,000 के बीच में, जो कि ऑफर में मुझे 35,000 का पड़ा है। दोस्तों जो अभी तक आपने क्लिप देखी वो कल की थी। कल मैं पीटर इंग्लैंड के स्टोर गया था प्रवीण के साथ में। प्रवीण को कुछ कपड़े लेने थे वहाँ से, और उसके पास कूपन भी डाला था, जो कि फ़ोनपे पर रुपए वगैरह ट्रांसफ़र किए होंगे तो कूपन आ गए थे कुछ। तो उसने सोचा कि उधर शायद अप्लाई हो जाए तो कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन जब वहाँ पर पहुँचे तो पता चला कि ये कूपन यहाँ पर अप्लाई नहीं होने वाले, ये सिर्फ वेबसाइट के यूज़ के लिए हैं। मतलब यानी कि वेबसाइट से आप कुछ सामान मंगाएंगे तब ये कूपन लग जाएंगे। लेकिन फिर भी हम लोगों ने देखा कि शायद कुछ कपड़े लेने और पसंद आ जाए, लेकिन रेट इतनी हाई फाई थी। फिर हम लोगों ने सोचा कि बाद में देखते हैं, अभी नहीं ले रहे, बाद में फिर कभी लेंगे आके। खैर मुझे तो लेने नहीं थे, प्रवीण को ही लेने थे। फिर हम घर पे वापस आ गए, और अभी ये ब्लॉग 8 बजे से शुरू हो रहा है, यानी कि अभी 8 बज चुके हैं। और अभी मैं जा रहा हूँ बाहर पेंट करने के लिए। वैसे आज धौलपुर जाने का प्लान था, गाड़ी में आफ्टर मार्केट वर्क करवाना था, लेकिन अब कल जाएंगे। आज गाड़ी वगैरह नहीं आ पाई है, यानी कि जो सामान हमने ऑर्डर किया था धौलपुर के लिए, हमने नहीं ऑर्डर किया था। मतलब धौलपुर में दीपू की जीजा का मतलब इनका ही काम है, गाड़ी वगैरह का काम। तो सामान उनने ऑर्डर किया था, लेकिन वो गाड़ी आ नहीं पाई आज, इस वजह से उन्होंने बोला कि कल आ जाना। तो अब कल जाने का विचार है। और आज मुझे फिर करना है पेंट ना, वैसे मैंने लिया था, लेकिन अब सोच रहे हैं कि घर की पुताई कर लें, संडे भी है, दुकान खुली नहीं है। और कल मेरा व्रत रहने वाला है, जैसे कि आपको पता है। अब देखते हैं कैसा क्या प्लानिंग बन पाती है, कल पहुँचने आते हैं या नहीं पहुँच पाते हैं। और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ मैंने रखा था, वो आज इस वीडियो में रिवील करूँगा, जो कि हो सकता है 10 तारीख तक आ जाए अपने पास। तो सरप्राइज़ के बारे में बाद में बात होगी, सबसे पहले करते हैं पुताई आगे बार। और भैया आपने देखा होगा कि 2-3 दिन से मैंने ब्लॉगिंग नहीं की है, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी। जुकाम था, सर्दी थी, सर में दर्द हो रहा था, इस वजह से मैं कुछ भी ब्लॉग नहीं कर पाया ना। मैं दुकान पे गया था, थोड़ी बहुत देर के लिए गया हूँ दुकान पे, ज़्यादा कुछ टाइम के लिए नहीं गया था। तो आज थोड़ा आराम लग रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉगिंग भी कर ली जाए, और साथ में आप लोगों को बता भी दूंगा क्या हो रहा है, क्यों इतने दिन से वीडियो नहीं आए। ये हमारे सब्सक्राइबर है, ये हमसे बोलने आए हैं कि पुताई की जल्दी जल्दी वीडियो डालिए। मिलिए इनसे, आपकी बहुत बड़ी फैन है हम। A few moments later, दोस्तों 1 बज रहा है और ये वाली दीवार पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये मेरा वाला रूम है, दिख रहा होगा आपको कैसा सामान बिखरा डाला है। ये वाली दीवार पूरी कंप्लीट कर रही है, इस पर मतलब बारिश इस बार उल्टी साइड से हुई थी, तो इस पर पूरे दागी दाग हो गए थे। तो ये वाली दीवार सिर्फ की है, और ये वाली दीवार की है, और इधर के पोर्शन में पेंट नहीं किया, अगली साल फिर कभी होगा। और इधर के भी पोर्शन पे नहीं किया, मतलब ये दोनों दीवार ख़राब हो रही थी, तो इस वजह से कर दिया था। और यहाँ के ये वाले एरिया की सफाई हो गई है, वैसे तो थोड़ी बहुत और करेंगे यहाँ पर। और ये वाली दीवार भी पेंट हो गई है, और ये वाली दीवार भी पेंट हो गई है। अब बचा मतलब ये वाला पोर्शन बचा है सिर्फ, जितनी जल्दी उपाय ये भी ख़त्म करते हैं, फिर बाहर का करते हैं और बैठक करते हैं। बैठक भी आधी बची हुई है, आधी उस दिन कर दी थी, तो मतलब इतना ही काम बचा है। कोशिश है, अभी तो 1 बज रहे हैं, कोशिश है करीब 4-5 बजे तक निपटा दे पूरा काम। 6.5 hours later, जैसे कि आपको दिख रही होगी ये वाली वॉल कंप्लीट हो चुकी है, ये वाला पूरा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, बाहर का पोर्शन रह गया है यहाँ का। अभी अंधेरा है, लाइट जला देता हूँ। ये अभी नहीं हुआ है, बाद में होगा, क्योंकि सामान यहाँ पर बहुत रखा हुआ था इस वजह से। जी यहाँ पर रख दिए, और आज यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है पानी के बतासे का, पानी पूरी का। तो शाम के 8:30 हो रहे हैं, और अपन बहुत थक गए हैं, आज पूरे दिन हो गया पुताई करते करते, यानी कि पेंट करते करते। देख रहे अभी भी वही कपड़े पहन के रखे हैं मैंने, टी शर्ट और वही वाला लोअर। तो अब मैं आपको एक सरप्राइज रिवील कर देता हूँ, उसके बाद मुझे फिर कपड़े वगैरह चेंज करके हाथ पैर धो के फिर मैं एडिटिंग वगैरह में लग जाऊँगा। तो मेरा जो सरप्राइज था, जो मैं आपको बताने वाला था, मैंने बोला था आज आपको बताऊँगा, थोड़ा जुकाम की वजह से हालत गड़बड़ है, ऐसे में आज पुताई की है, तो इस वजह से आवाज़ सही से नहीं आ रही होगी। सरप्राइज तो भैया मैं आपको नहीं बता रहा, बस मैं आपको डिटेल दिखा दे रहा हूँ कि 28 तारीख को मैंने कुछ आइटम ऑर्डर किया था, जो कि 30 तारीख को शिफ्ट हो चुका है, और इसकी एक्सपेक्टेड डेट जो है वो 10 तारीख है। यानी आप देख सकते हैं कितना टाइम लगने वाला है, 10 दिन के आसपास टाइम लगने वाला है। आइटम काफ़ी बड़ा है, और हम भी ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पर डिलीवरी देने आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है,
वैसे तो सिटी है लेकिन यहाँ पर डिलीवरी बहुत कम हो पाती है, तो मैं यहाँ पर और ज़्यादा डिटेल आपको नहीं दिखा रहा हूँ। और जो आइटम है उसकी प्राइस करीब है 35 से 40 हज़ार के बीच में, जो कि ऑफर में मुझे 35 हज़ार का पड़ा है, लेकिन इसकी प्राइस जो है एक्चुअल है वो 40 हज़ार के आसपास है। तो फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया है, अब जो ये आइटम आ जाएगा उसके बाद मैं इसकी सभी डिटेल आपको बता दूंगा, कैसे मैंने इसको ऑर्डर किया, क्यों मैंने ऑर्डर किया, वो सभी डिटेल आपको जब ये आइटम डिलीवर मेरे पास हो जाएगा तब आपको पता चलेगी। और कल की अगर मेरी प्लानिंग सही रही, यानी कि दीपू वगैरह की प्लानिंग सही रही और सामान मेरा आ जाता है अगर धौलपुर के लिए, मतलब जो सामान मैंने मंगाया है, तो कल धौलपुर मुझे जाना पड़ेगा। जो भी गाड़ी में आफ्टर मार्केट पार्ट्स वगैरह लगवाने हैं वो सब धौलपुर से ही लगेंगे। तो गला बैठा हुआ है इस वजह से आवाज़ सही से नहीं आ रही, आपको दिख रहा होगा आवाज़ में अंतर है, काफ़ी हल्की आवाज़ आ रही है। तो भैया अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।